नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हाइलाइट्स पे। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डियर साप्ताहिक लॉटरी, केवल 6 रुपया अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। विनय तामाङ ने भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट को समर्थन देने का किया ऐलान। दार्जिलिंग पहाड़ के दिग्गज नेता विनय तामाङ ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा के उम्मीदवार राजू बिष्ट को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है, मैं दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजू बिष्ट को अपना ईमानदारी से समर्थन देता हूँ। पश्चिम बंगाल में नोटों के बिना कोई काम नहीं होता। राज्य की जनता जानती है कि राज्य में कितना भ्रष्टाचार है। सिर्फ शिक्षा में ही नहीं भ्रष्टाचार, बल्कि राज्य का हर मंत्री और विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री किरण रिजिजू ने टिप्पणी की। इस दिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट के समर्थन में चुनाव करने पहुंचे थे। जनता 2019 की भूल नहीं करेगी, सिलीगुड़ी में बोले देव। कहा, धर्म को लेकर नहीं होनी चाहिए राजनीति। आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए बंगला फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता और तृणमूल नेता दीपक अधिकारी उर्फ देव ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है इस बार उत्तर बंगाल में तृणमूल का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर बंगाल आ रहे हैं। वह मालदा दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर में प्रचार करेंगे। शाह पहले मालदा दक्षिण लोकसभा प्रत्याशी श्रीरूपा मित्रा के लिए रोड शो करेंगे। इसके बाद वह उत्तर दिनाजपुर के रायगंज से बीजेपी उम्मीदवार कार्तिक पाल के लिए प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। सीएम ममता और अभिषेक बनर्जी लगातार सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज गोसाईपुर में अभिषेक बनर्जी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। सभा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से 25,000 लोग बेरोजगार हो गए, जिसका असर वोटिंग पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता समझती है कि किसने नौकरियां छीनी। गोपाल लामा के समर्थन में चुनाव प्रचार कार्यक्रम में मेयर ने लोगों से गोपाल लामा को वोट देने की अपील की। जलपाईगुड़ी में पानी को लेकर भी हो रहा है राजनीति। लोगों का आरोप, सीपीएम बीजेपी पार्टी करने वाले परिवार को नहीं मिल रहा है पीने का पानी। मंगलवाड़ी 19 नंबर लाइन की सीमा से सटे गोरुमारा जंगल में मुख्य रूप से चाय बागान के मजदूर रहते हैं। उन्हें भीषण गर्मी के बीच पेयजल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। हनुमान जयंती पर जलपाईगुड़ी के मस्कलाईवाड़ी पंचमुखी हनुमान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। पूरे भारत में हनुमान जयंती आज बड़े उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जलपाईगुड़ी मस्कलाईवाड़ी पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की कतार लगी है। आज पूरे दिन पूजा अर्चना चलेगी और साथ ही भक्तों के बीच प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। अलीपुरद्वार के मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी की ओर से हनुमान जयंती के अवसर पर रंगारंग भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज यह शोभा यात्रा अलीपुरद्वार चौराहे से होते हुए बाटा मोड़, स्टेशन पाड़ा, बाबू पाड़ा समेत विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए फिर से यहीं पर आकर समाप्त हुआ। दिन भर विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। जलपाईगुड़ी जिले के मैनाताला में चरक पूजा के दौरान एक सन्यासी साइकिल पर करतब दिखाते समय गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। सन्यासी का नाम दीपू रॉय है। दीपू की पीठ में रस्सी टूट गई, जिससे वह गिर गया और गंभीर चोटें आई। उसका जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया, पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटा। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्फीथिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक।
पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसे जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 97333970. इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरेब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है, ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर।